वनडे की। तो दोस्तों हम अभी आ रखे हैं वनडे बारात में और यहाँ पे जो नींबू आप देख सकते हो हमारे गांव के नींबू कैसे होते हैं, ये बैंड कम बजा रहे नींबू देखने ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो माला से हमारे स्वागत की इसकी रिस्पेक्ट करते हुए साइड में रखते हैं। कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे? हेलो गाइस, बस चलो ठीक हो गया। तो हम आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपको कैसे लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? नर्वस फील हो रहा है ना? अच्छा हो रहा है। और तो कहेंगे अच्छा ही हो रहा है, आपको पता है हमको अंदर से कैसा हो रहा है? आपको ज्यादा पता है। हाँ, ऑफिशियल एक्सप्रेशन सब बता देता है। सो दोस्तों, जो मैं हूँ अभी एकदम गढ़वाल साइड में हूँ और ये गांव का नाम है जो नीचे है वो जैसी है, देख सकते हो। और बारात नीचे की ओर प्रस्थान करते हुए बहुत ही प्यारा लगता है जब पहाड़ में ऐसे बारात जाती है नीचे की ओर, और आधे लोग पहले से नीचे चले गए और आधी बारात ही नीचे जा रहे हैं हमारी गाड़ी और पार्किंग है ऊपर। चलो पब्लिक, चनु भाई का धक-धक हो रहा होगा ना अभी? हाँ। तो दोस्तों हम अभी आ रखे हैं वनडे बारात में और यहाँ पे जो नींबू आप देख सकते हो हमारे गांव के नींबू कैसे होते हैं, ये बैंड कम बजा रहे नींबू देखने ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो माला से हमारे स्वागत की इसकी रिस्पेक्ट करते हुए साइड में रखते हैं। ये नींबू है इतने बड़े हैं और यहाँ पे ऐसी फेंके पड़े नीचे, देखो यहाँ लेके जाना पड़ेगा यहाँ से उठा उठा के घर पे। अगर ये वनडे की बारात नहीं रहती ना, सबने यहीं रात को खाने थे। मैं इसी का वेट कर रहा था, इसको बोलते है नींबू बोलते, तो मैं इसको लेके जाऊंगा तोड़ के आफ्टर शादी के बाद। और ये देख सकते हो कितने बड़े हो रखे हैं। तो अभी जो बैंड वाले हैं वो बैंड बजाएंगे और हम डांस करेंगे। आप कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे? हेलो गाइस, बस चलो ठीक हो गया। ये मैं 10 रुपए तो मैं देना चाहती थी, लो पर अब क्या करें, नहीं दे सकते, नहीं दे सकती, सही बात है। चाय और ये पूड़ी है, इसके अंदर काफ़ी कुछ है, थोड़ा सा नमकीन है, थोड़ा बिस्किट है और ये मिठाई और एक सॉफ्ट सुपारी है। तो अभी हम चाय पियेंगे, फिर उसके बाद डांस करने जाएंगे फ्लोर पे, तो फिर आपको पता है आगे का क्या फ्लोर दिखाएंगे तुम्हें कैसे। तो भी ऐसे होते हैं फ्लोर है, ऐसे ही होते हैं। और ये मेरी वाइफ है जो कि मेरा टीका, सबका टीका छीन रही है आपसे, सर 10-10 रुपये मिलता सबको ये छोड़ते हुए, मेरा भी ले लिया मेरे से छीन के। तो अभी क्या कर सकते हैं, देना मजबूरी है, तू भी दे दे भाई। और यहाँ पे जो है पूरी रस्में चल रही है, रस्में की तरफ दिखाते आपको।
आपका इंटरव्यू लेते हैं आपको कैसे लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा नर्वस फील हो रहा है ना? थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। जैसे आप हो रहा है गुदगुद हो रहा है ना? गुदगुद जैसे आप अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है पंडित और तो कहेंगे अच्छा ही हो रहा है। आपको पता है हमको अंदर से कैसा हो रहा है? आपको ज़्यादा पता है। हाँ फेशियल एक्सप्रेशन सब बता देता है। चलो चलो दीदी तो ले चलते हैं आपको डांस की ओर और दिखाते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग डांस कर रहे हैं। फोटोग्राफी चल रही है इनकी देख सकते हो। और ये मेरे हाथ में लिफाफा जो कि दूल्हा और दुल्हन को दिया जाता है और वो हमने ले रखा है तो हम जमा कर रहे हैं अभी। अभी सब हमारे होगा। हेलो दोस्तों एक बार फिर हम आपको ले चलते हैं रसोई की ओर जो कि हम कौन से गांव में? जेती गांव। हाँ तो ये गांव एकदम गढ़वाल में पड़ता है जेती गांव में। हाँ तो एक्चुअली गांव बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि पंडित जहाँ रसोई करते हैं वहाँ पे नॉर्मल जाने मना है आदमी को। तो आपको दिखा सकते हो आप ये देख सकते हो ये तो फिलहाल के लिए करना पड़ता है बर्तन धोने के लिए। कीटाणु में मजा सही है। रोटी चावल दाल चाय की चाय एक्चुअली में बहुत अच्छा हुआ था। हाँ चने का सब्जी था ना खट्टा सब बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ हाँ तो ये यहाँ के गाँव वाले हैं और थोड़ा आप यहाँ पे दिखा सकते हो। जैती और सामने है पल्ली जैती और पार जो है वो डान है। हाँ डान तो ऐसे ही है। मैं आपके गांव से नींबू लेके जाना चाहता हूँ वहाँ पे जो बड़े बड़े लगे उनके जो नींबू के पेड़ के मालिक हैं वो ये है। अच्छा नींबू नींबू के पेड़ के मालिक इधर बैठे हैं तो पहले परमिशन ले ले हम आपके यहाँ से एक दो नींबू निकाल सकते हैं ना? प्यारी चाय मुझे बैठ। हाँ बिल्कुल प्यारी चाय मुझे बैठ। अरे वारे नहीं चाहिए अभी वो किसी को चाहिए होगी तो बोले बता देगा। हाँ बिल्कुल। ये है गाँव का सपोर्ट महिलाओं का। जब भी यहाँ गांव में कुछ भी होता है शादी फंक्शन तो जो सारी महिलाएं हैं वो एकत्र हो जाती है और ऐसा काम करती है बर्तन धोती है। तो ये सब अभी जो है खाने का बर्तन धो रहे हैं तो बाहर वाले को बुलाने का जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है और चलते हैं देख के हंस भी रहे हो और शर्म भी आ रही है हमें तो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको। इधर हमारे गांव में जो भी है शादी वादी की ना जैसे और लोगों में मतलब कि प्लास्टिक यूज होता है तो हमारे यहाँ पे प्लास्टिक व्लास्टिक यूज नहीं होता है। प्रॉपर स्टील के बर्तन आपको मिलेंगे और ये गांव वाले ही धोएंगे पूरा मेहनत सभी का। हाँ पूरी मेहनत से। वैसे तो मुझे पहाड़ों का यही कल्चर अच्छा लगता है कि सब आपस में एकत्र होकर बाहर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं होती है तो ये अच्छा लगता है मुझे। तो हमारे गांव में जो भी है सारे सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल खाना बहुत अच्छा बना था आपका। हमारे यहाँ जो स्टील से हम बनाते हैं जो हमारे पास डेक वगैरह है उससे हम खाना बनाते हैं। तो जो नींबू तोड़ रहे हैं हम तो वहाँ पे घर लेके जाना है हमें तो वो दिखाएंगे आपको तोड़ते कैसे हैं। जो नींबू होते हैं यहाँ का साइज बहुत बड़ा होता है इतने बड़े होते हैं कम से कम तो
चलते हैं अभी आगे के तरफ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।